Hey guys, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update from Seekers Adda. हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने तरफ से कुछ वैकेंसीज रिलीज की हैं। अपन उसका डिस्कशन करेंगे, क्या वैकेंसीज हैं आपकी, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी आरबीआई की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है और अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है आपकी 3 जुलाई 2018 से 23 जुलाई 2018 तक का, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो एग्ज़ाम्स होंगी, तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए अगर आप देखें, तो फेज़ 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा। फेज़ 1 जो होगा 16 अगस्त 2018 को होगा और फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 7 सितंबर 2018 को होगा। वहीं अगर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि होगा 16 अगस्त 2018 को, और पेपर 2 एंड 3 आपका ऑनलाइन एंड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा सितंबर 6 2018 को। इसकी जो आपकी ऑनलाइन पेपर और रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा पेपर 2 एंड पेपर 3, इसकी डेट्स आपकी और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर एक अभी कंडीशन जैसे अप्लाई हुई है कि आपको अभी यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही है, बाकी कन्फर्म आपका एडमिट कार्ड से ही होगा। साथ ही साथ देखें, अगर थर्ड आपकी वैकेंसी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पेपर 2 एंड 3 ऑनलाइन / रिटर्न एग्जामिनेशन है। पेपर 1 जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो होगा 16 अगस्त 2018 को, और पेपर 2 एंड 3 जो है आपका सितंबर 6 से सितंबर 7 की डेट्स यहाँ पर दी गई है जो कि आपकी कंफर्म होगी एडमिट कार्ड्स के आ जाने पर। उसके बाद में अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए यहाँ पर, तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल की जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी 64 वैकेंसीज़ हैं, SC कैटेगरी में 20 है, ST कैटेगरी में 10 है, और OBC कैटेगरी जो है उसमें आपकी 33 वैकेंसीज़ हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 127 वैकेंसीज़ हैं आपकी। ऑफिसर्स एंड ग्रेड बी DEPR के लिए वैकेंसी देखें तो अनरिजर्व्ड आपकी 11 हैं। शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कैटेगरी के लिए आपकी 4 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए आपकी 1 वैकेंसी है, और OBC कैटेगरी के लिए आपकी 6 वैकेंसीज़ हैं। टोटल देखा जाए तो 22 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए देखें तो अनरिजर्व्ड आपकी 11 हैं, SC कैटेगरी के लिए आपकी 1 ही वैकेंसी है जिस पर कुछ कंडीशंस हैं, और ST कैटेगरी के लिए आपकी 3 वैकेंसी है यहाँ पर, इसके लिए भी कोई कंडीशन है यहाँ पे। OBC के लिए आपकी 2 वैकेंसी है, टोटल आपकी 17 हो गई। यहाँ पर जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं ये आपको नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल से दे दी गई हैं, ये जस्ट एक वीडियो आपका ओवरव्यू देने के लिए था कि आपका जो RBI की वैकेंसीज़ है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कब कब होंगे, इस तरीके से आपको वैकेंसीज़ कितनी है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है आपका। जैसे ही आप इस वीडियो को देखकर ख़त्म करें, आप RBI की साइट पर जाइए और वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। 27 पेजेस का आपका पूरा नोटिफिकेशन है। एक वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स देना बहुत मुश्किल जा रहा था, इसलिए मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया। 27 पेजेस का है, हर एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी चीज़ पर आपको डाउट हो तो एक बार वो क्लियर कर लीजिए, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में ही फॉर्म फिल कीजिएगा। चलिए, ये तो हुई वैकेंसी की बात, अब आगे देख लेते हैं। आपकी एज लिमिट्स हैं 21 साल से 30 साल तक के बीच में, और यहाँ पर फिर आपकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इन जनरल अगर देखा जाए तो आपकी उम्र जो है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और उसके बाद में जो रिलैक्सेशंस हैं वो भी आपको बहुत डिटेल में पूरे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद में अगर अपन फीस की बात करें तो SC, ST और PWD, PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपकी
चार्जेस जो है वो 100 रुपये हैं। उसके बाद में जनरल ओबीसी के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी 850 रुपये रहेगी, और स्टाफ जो है आरबीआई के जो कार्यरत स्टाफ हैं अभी जो वर्किंग है उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस हो गई 100 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी के लिए आपकी 850 रुपये हो गई। तो अब आपको क्या करना है, 3 तारीख से 23 तारीख तक के बीच में अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर देखिए, आप उस पर एलिजिबल हैं कि नहीं वो देख लीजिए। एज रिलैक्सेशन कितना है वो ध्यान से पढ़िए। आप अपना आरबीआई पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था आपका आरबीआई के रिक्रूटमेंट को लेकर। आप सभी को ऑल द बेस्ट है इस वैकेंसी के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।